प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव के ऊपर रविवार की रात हुए जानलेवा हमले के संबंध में सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंप कर उनकी सुरक्षा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। इस दौरान अजीत कुमार, अख्तर अली, सोनू यादव, जितेंद्र श्रीवास्तव, धीरज गुप्ता, नासिर अली सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए तहवर हुसैन ने कहा, तहवर हुसैन, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जिला एवं महानगर के लोग हमारे जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव जी के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनका भतीजा घायल है। और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हम लोग आज एसएसपी से आपसे मिले हुए हैं और जिला अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए हम लोग चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष को सुरक्षा दी जाए, घायलों का समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। वरना प्रगतिशील समाजवादी लोहिया आने वाले दिन में अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग धरना और प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।